हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरिओम प्रभाकर। वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन इज, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मैन्युफैक्चरर, कोई मैन्युफैक्चरर है, हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। जो 600 लीटर है, 12% जो एसिड सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, उसका क्या है 12% ऑफ 600 लीटर ऑफ, और 12% 600 लीटर जो है 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, जो एसिड सॉल्यूशन है 30%, उसमें कितने लीटर्स हम ऐड करेंगे। सो मस्ट बी एडेड to it so that acid solution content in the resulting mixture, जब 600 लीटर में हम कितना लीटर ऐड करेंगे जो रिजल्टिंग मिक्सचर, सो देयर एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। 600 में हम कितना लीटर हमें ऐड करना है जिससे जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो क्या होगा मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। पहले क्वेश्चन जब इस तरह की हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। कितना लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन का हम ऐड करेंगे, तो हाउ मेनी लीटर्स हम लिखेंगे, let x liters of a 30%, यहां हम हाउ मेनी x लिख दिया, x liters of a 30% acid solution, 30% acid solution be added, okay। So mixture क्या हो जाएगा हमारा, resulting mixture क्या हो जाएगा, जब हमने x liter add किया तो क्या हो जाएगा, resulting mixture is equal to कितना होगा, resulting हमने x लिया है, x liter हमने add किया, 600 लीटर में जब हम ऐड करेंगे कि ये क्या है सॉल्यूशन, 600 लीटर ऑफ 12% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड और ये 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन, ओके। तो हम 600 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा लीटर्स ना, एक्स लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा, जब हमने एक्स ऐड किया तो 600 प्लस एक्स लीटर। अब हम ये देखेंगे कि 30% ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, हाउ मेनी लीटर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 30% ऑफ एक्स,
प्लस 600 ऑफ ये क्या है 30% कितना लीटर का था 1 लीटर का और 12% कितना का है 600 का तो 12% ऑफ 600 ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि अब मैन्युफैक्चर है 600 लीटर तो हमने 600 का है 12% और हमने 1 लीटर माना है उसका 30% दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या है रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन ये हो जाएगा हमारा तो ये भी मिक्सचर हो गया तो हमने इसको और इसको ऐड कर दिया 30% ऑफ x का और 12% ऑफ 600 का तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 15% ऑफ 15% किसका है रिजल्टिंग मिक्सचर मिल मोर देन 15% तो 15% ऑफ 600 प्लस x ये हो जाएगा तो ये तो हमारा एक इक्वेशन ये बन जाएगा एंड श्री में हम सेकेंड लिखेंगे सेकेंड फिर कह रहा है कि 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 ये ग्रेटर देन होगा 50% ऑफ मिक्सचर की जो है उसके और बट लेस देन 18% तो 18% जब इसका निकालोगे तो वो इसका लेस देन होगा x इसको हम सेकेंड मान लेते हैं ओके अब इस ये हमने इसको क्वेश्चन को इस पे फॉर्मेट किया अब यहां से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो नाउ वी कैन इरेज क्वेश्चन अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन नहीं है हमने ऐसे नाम रख दिया है वैसे हम यहां से देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से 30% 100 इंटू एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 ग्रेटर देन 1500/100 इंटू 600 प्लस x अब हम यहाँ कुछ कट नहीं करते 100 कैंसिल हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट 30x प्लस 12 इंटू 600 ग्रेटर देन 100 तो कैंसिल जाएगा ये 100 और ये 100 कैंसिल दोनों साइड है तो यहाँ होगा 15 इंटू 600 प्लस 15x ओके नाउ इंप्लाइज दैट 30x 15x को इधर ले आए हम 30x माइनस 15x एंड ग्रेटर देन इट इज 15 इंटू 600 माइनस 12 इंटू 600 दिस इज इस पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलो ऐसे कर लेते हैं ग्रेटर देन इंप्लाइज दैट 30x माइनस 15x 15x ग्रेटर देन 15 माइनस 12 600 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया 3 This implies that 15x greater than 3 into 600. Okay. Now, this implies that x greater than 3 into 600 upon 15. 3, 5, 15, 5, 5, 12, this, 120. This implies that
x greater than 120. This is from first. इस अब सेकेंड को करते हैं हम. Now from second. Second से क्या देख रहे हैं हम? Similar 30 x upon 100 plus 12 upon 100 into 600 less than 18 upon 100 into 600 plus x. So 100, 100 again cancel. अब हम देखेंगे हमारे पास यहां बच जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 30x प्लस 12 इंटू 600 लेस देन 18 इंटू 600 प्लस 18x. ओके, दिस इंप्लाइज दैट 30x माइनस 18x लेस देन 18 into 600 minus 12x into 600. This is 18x. Now, ये हो जाएगा हमारा 12x less than 18 minus, sorry, 18x minus 12x, this is 600, implies that 12x less than 6x, sorry, 1 minute, यहाँ पे हमारा क्या था 18x, यहाँ 18x नहीं है, 18 into 600 है, और यहाँ 12 into, यहाँ 12 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 18 भी नहीं है, और यहाँ x नहीं है, तो ये हो जाएगा 12x less than 80 minus 12, 6 into 600. This implies that x less than 6 into 600 upon 12, 6 to 12, 300. This implies that x less than 300. ये होगा हमारा from second. Now, from first and second, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, x greater than, ये है एक पार्ट, x greater than 120, x less than 300. तो यानी ये हम लिख सकते हैं कि x greater than 120, तो 120 less than x, 120 less than x. इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, x greater than 120 यानी 120 less than x. And this x is less than 300. This is the answer. This part is answer. अब इसको words में कैसे लिखेंगे हम? Words में जो हमारा x है, x क्या था? X percent, x liter of solution will be added, हमने ये माना था, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे कि x liter of solution will be from 120 liter to 300 लीटर, यानी जो x जो है हम 120 और 300 के बीच में ले सकते हैं, दैट वुड बी आंसर. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के. और भी क्वेश्चंस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप क्लेरिफिकेशन ले सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा
आप तक वीडियो पहुंचा सके। थैंक यू सो मच, बाय।